हाय व्यूअर्स, ये थर का खूबसूरत रेगिस्तान है और इन झोपड़ों के पीछे, ये जो कच्चे झोपड़े बने हुए हैं, इनके पीछे एक पक्के दिल वालों का एक खूबसूरत सा गांव बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत सा गांव। और इस गांव के अंदर लोगों से ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा मोर रहते हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये जो गांव है, ये ठाकुर राजपूतों का गांव है। और ये ठाकुर राजपूत जिस तरह अपने बच्चों को हर टाइम पे पानी और खाना देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पाबंदी से इन खूबसूरत जन्नत के परिंदों, मोर और मोरनियों को दाना और पानी देते हैं। ये मिट्टी के नज़दीक हरिहार का गांव है। और इस गांव के अंदर लोगों वालों, जो गाँव के हैं, उन लोगों का ये कहना है कि गांव के अंदर इंसानों की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा मोरों की पॉपुलेशन है, जो हमारे घरों के ऊपर ऐसे हर रोज़ उड़ाने भरते हैं और हमारे बच्चों की तरह हमारे साथ साथ ये रहते हैं। ये राजपूतों का गांव और इसके अंदर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इस गांव का नाम है हरिहार। और मिट्टी से जब आप अमरकोट जाएंगे तो रास्ते में ये गांव आएगा। आइए मैं आपको इस गांव लिए चलता हूँ। ये मिट्टी से अमरकोट के लिए निकलने वाला खूबसूरत एक रास्ता है। और तकरीबन 20 किलोमीटर आप मिट्टी से आगे जाएंगे तो राइट साइड पे ये गांव आता है हरिहार। और इस गांव के ठाकुर और इस गांव के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों की तरह इसी गाँव के अंदर मोर रखते हैं। और इन मोरों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग इस गांव के अंदर आते हैं। इस गांव के अंदर बने हुए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो कच्चे झोपड़े हैं, ये देखें, बड़ा खूबसूरत एक गांव है। टीलों के ऊपर और नीचे ज़मीन के ऊपर बने हुए ये झोपड़े, और कुछ जो है वो पक्की बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल बने हुए हैं। ज़्यादातर इस गाँव के अंदर ये झोपड़े, जिसको हम चौरा बोलते हैं, वो बने हुए हैं। ये देखें, ये इस गांव का एक, मैं आपको दुकान दिखाऊं, ये इस गांव का एक दुकान है और इसके ऊपर दिवाली मुबारक लिखा हुआ है। दिवाली के दिन पे उन्होंने ये इसके ऊपर रंग किया है। ऐसे ही पूरे गांव के अंदर झोपड़े बने हुए हैं, लोग झोपड़ों के अंदर रहते हैं। और हर झोपड़े के आगे इस गांव के अंदर पानी का एक टैंक बना हुआ है, जो अंडरग्राउंड है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा सीमेंटेड जो है वो थला बना हुआ है, जिसके ऊपर ये पानी देते हैं, दाना देते हैं। और वो लोग पूरी दुनिया से इनको देखने के लिए, यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते रहते हैं। ये देखें, उड़ता हुआ मोर। और हर वक्त इस गांव के अंदर आपको मोरों के आवाज़ सुनाई देंगी। ये एक नौजवान अपने घर के बाहर बाजरे के दाने मोरों को दे रहा है। और इस तरह से इस रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसे गाँव हैं, बल्कि ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसके अंदर इस किस्म के मोर ना हो। मोरों को लोग अपने बच्चों की तरह खाना देते हैं। अगर कोई शिकारी यहाँ से शिकार करता है तो यहाँ का जो बंसिल्क वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन तक इनकी शिकायत जाती हैं। और लोग, ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर सिर्फ मोर देखने के लिए आते हैं। ये वीडियो रखने का हमारा ख़ास जो मकसद है वो ये है कि थरपारकर का जो हुस्न है, ये जो थर का रेगिस्तान है, इसको देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आएँ। लोकल और नॉन लोकल टूरिस्ट इस थर रेगिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, यहाँ पर घूमते हुए मोर देखें, हिरण देखें, और यहाँ के जंगलों में घूमते हुए नील गाय को आप देखें, मोरों को आप आके अपने हाथों से दाना पानी खिलाएं। बड़ा एक यूनिक कल्चर है इस थर के रेगिस्तान का। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हरिहार गाँव थर रेगिस्तान का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये देखें, डरते ही नहीं है किसी गाड़ी की आवाज़ से, मोर इनको देखें। फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, अल्लाह के बाद।